नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत प्यारा सा और एकदम यूनिक सा पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। बहुत खूबसूरत पैटर्न है और इस पैटर्न की सबसे अच्छी बात यह है, जितना ये खूबसूरत लगता है देखने में कठिन लगता है। इसे सिर्फ उल्टे और सीधे फंदों से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। इसे हम किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जेंट्स स्वेटर पर, लेडीज़ कार्डिगन पर, बेबी सूट पर, किसी प्रोजेक्ट पर भी हम आसानी से बना सकते हैं। और जिन्होंने अभी बुनाई करना सीखा है वो भी इसे बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दें, घंटी को भी बजा दें। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। बैक साइड से ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत यूनिक पैटर्न है, अगर आपने अभी सीखा है तो भी आप बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 16 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होंगी। 16 के मल्टीपल में फंदे, दो एज स्टिच और दो डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 20 फंदे ले लिए हैं और देखिए एज स्टिच मैंने उतार लिया है और दो फंदे सीधे बनाएंगे। तो इन्हें आप डिज़ाइन को बैलेंस करने वाले फंदे समझ सकते हैं। धागा अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक ये सात, सात फंदे हमें सीधे बनाने हैं। एक फंदा स्किप करेंगे और ये दो फंदों को सिंपल ऐसे ही दो फंदों को दो का एक करेंगे। अब स्किप किए हुए फंदे को इस फंदे के ऊपर से इस तरीके से हम गिरा देंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए दो फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे। ये दोनों तरफ हमने दो दो फंदे जो बनाए हैं ये हमारे डिजाइन को अलग करने के लिए बनाए हुए फंदे हैं। देखिए रॉन्ग साइड में यहाँ पर आपको बता रही हूँ रो टू, तो हमारी जितनी भी रॉन्ग साइड हैं वो इसी तरीके से बनेंगी। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक, दो, ये डिजाइन को जो अलग करने वाले फंदे हैं ये हमारे हर तरफ से सीधे बनेंगे, चाहे हम उल्टी तरफ से बनाएं चाहे हम सीधी तरफ से। एक, दो, चार फंदे सीधे उल्टे, सॉरी चार फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, ये जो हमने उधर से उल्टा बनाया था इधर से हम सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और एक नौ, नौ फंदे हमने उल्टे बनाए। धागा पीछे करेंगे, एक, दो, दो फंदे हमने सीधे बनाए, धागा अपनी ओर करके एज स्टिच उल्टा बनाएंगे। रो थ्री देखेंगे, एज स्टिच मैंने उतार लिया, एक, दो, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और ये डिज़ाइन सबसे किनारे ही हमारी जाली बनेगी। दो, तीन, चार, पाँच, छः, पिछली बार हमने सात फंदे बनाए थे, अब की छः फंदों के बाद हमने फंदे को स्किप किया है और ये देखिए दो का एक करेंगे, दो का एक करेंगे, स्किप वाले फंदे को हम इन फंदों के ऊपर से गिरा देंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे अब की बार इधर बनाए हैं हमने, धागा अपनी ओर करके, एक, दो, दो फंदे सीधे बनाएंगे, तीसरा एज स्टिच भी सीधा ही बनाएंगे। रो फोर हम रो टू की तरीके से बना लेंगे, इसके बाद मैं आपको रो फाइव बताती हूँ। रो फाइव हम बनाने जा रहे हैं,
रो 5 में पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, अब जाली बनाते हुए 2, 3, 4, 5 फंदे बना लेंगे सीधे, एक फंदा स्किप करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे और स्किप वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से गिरा देंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे बनाएंगे और लास्ट में एज स्टिच को भी हम सीधा ही बना देंगे। रो 6 हम रो 2 के जैसे बनाएंगे। अब रो 7 देखेंगे, एज स्टिच उतार लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, अब जाली बनाते हुए 1, 2, 3, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फंदा स्किप करेंगे और 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। स्किप वाले फंदे 2, 3, 4, 5, 6 धागा अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे करेंगे और लास्ट का एज स्टिच भी हम सीधा बना लेंगे। रो 8 रो 2 के जैसे बना लेंगे। ये रो 9 एक फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, 1, 2, 3 फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 3 फंदे आने थे पर मैं पिछली बार स्किप वाले फंदे को वो करना भूल गई थी, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 4 फंदे हो गए हैं। अब 2 फंदों को 1 करेंगे और स्किप वाले फंदे को हमें हर बार इसके ऊपर से गिराना है, हर बार एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब की बार हमारे पास यहाँ पर 8 फंदे हो गए। जाली को मिलाकर जाली बना देंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फंदा एज स्टिच वो भी सीधा बना देंगे। 10th रो हम 2 के जैसे बना लेंगे। तो 10th रो बनाने के बाद मैं मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हर बार हम एक एक फंदा इधर को बढ़ते आए हैं, इधर को हम बढ़ते आए हैं और इधर को हम घटते आए हैं और ये हमारी 5 जाली बनेंगी एक पैटर्न में और यहाँ से हम 1st रो से फिर से स्टार्ट करेंगे और हमारा सेम पैटर्न बन जाएगा।